पास नहीं होगा, व्हाई वुड यू पास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रश्मीज चैनल। तो कैसे बोल रही हो यार, अच्छे से करो, अचानक से कर ली। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 2 3 फक इट। सो दिस इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द बर्थडे व्लॉग, जिसमें हम लोगों ने प्लान किया था कि हम एक क्यू एंड ए वीडियो बनाएंगे। ये अभी एरिल ने बोला कि जो क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगी अपने बारे में, तो मुझे भी इसका बताना होगा। चीटिंग करता है तू। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछेगी, आई हैव टू आंसर फॉर हर एंड शी हैज टू आंसर फॉर मी। मैं अकेले नहीं फंसने वाली हूँ, ये भी फंसेगी साथ में। आधा घंटा लगाइए क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, बाकायदा लिखी है ये। मैं 5 मिनट में स्क्रीन शॉट मार के रख ली। What is it? I'm super fast, guys. I'm super fast. Anyways, मुझे बहुत डर लग रहा है। Guys, please हमें ट्रोल मत करना। Please. Then let's get started with the video. Oh, क्या पता मुझे first question ही नहीं आया तो? Sure. नहीं, मैं first question बहुत बहुत ज़्यादा easy रख रही हूँ। Please, वो question नहीं है, हमको याद नहीं आ रहा है। रुको, let me check. नहीं नहीं, हमको check करना, अगर ये हमको नहीं पता होगा ना, हम मर जाएंगे। I will die. क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी चीटिंग नहीं। रुको रुको, नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। ओके, ये है फ्रेंडशिप का एग्जाम। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। फेवरेट कलर क्या है? ये इसलिए पूछी है क्योंकि इसको ये पता है मेरे बारे आंसर, इसलिए पूछी है। दैट्स ऑल द रीजन। एग्जाम्पल के टाइम में मैंने इसको बोला। तो एग्जाम्पल तो हमको क्वेश्चन मिल गया ना। पर्पल। यस, तुम्हारा भी पर्पल नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़। हाँ, इट्स पर्पल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। हम दोनों की फ्रेंडशिप को कितने साल हो गए? ओह, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओह माय गॉड, आई थिंक 7.5 like running में 8 हो जाएगा। हाँ, अभी 8 हो जाएगा, like year. ये year end होगा तो हाँ 8 years of friendship। That's a long time, guys. इस पूरे टाइम पे हम लोगों की एक भी बार लड़ाई नहीं हुई है। हम लोग कभी नहीं, किसी भी बात पे हम लोग लड़ाई नहीं की है। इतनी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट फ्रेंड तुमको मिलेगी कहीं? नहीं। जाओ क्लास के पास। कौन रखता है यार नाम? लग रहा है प्रोडक्ट का नाम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार। सम ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू। तो बहुत ही इजी है। सम ऑफ योर फेवरेट थिंग्स टू डू। मेकअप, रील्स बनाना। हाँ, पसंद है यार इसको। अभी तो बना रही है। फेवरेट तो नहीं है। प्लीज प्लीज, वो एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है वो, फेवरेट नहीं है। अच्छा ठीक है, वीडियो एडिटिंग। हाँ, कह सकती हो। कह सकते हैं यार। हाँ, और क्या पसंद है? कुकिंग। कुकिंग नहीं पसंद है तुमको? किसको पसंद होता है कुकिंग? स्केचिंग, डिजाइनिंग। गेस्ट आई हूँ मैं एंड दिस इज हाउ शी बिहेव्स। लुक एट दिस। ठीक है, ये वाला कि अभी मैं बता रही हूँ फेवरेट थिंग्स टू डू। तुम्हारा सोना। राइट, आई लव इट। खाना या वीडियोस, मेकअप। हाँ, घूमना ही पसंद है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। वो अलग बात है कि कभी मेरे को अपने साथ लेके नहीं गई है फ्रेंड्स ट्रिप पे। विल गो शायद हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, मेरे बारे में कुछ फैक्ट्स बताओ। यही तो है जानना, एक दूसरे के बारे में। हाँ, है ना? तुम भी सोचो। फैक्ट्स अबाउट यू। मैं लिखना चाहूँगी। हम भी लिखना चाहते हैं। हम बोल जाएंगे। कुछ सम एडजेक्टिव्स, तभी काफी है। तारीफ ही करो। तारीफ। शी इज सुपर लेजी। सुपर लेजी एंड आई थिंक शी से द सेम फॉर मी एज वेल।
क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी लेजी. ओके, तो जब भी मिलने का बात आता है, ठीक है, आई एम नॉट केयरिंग, हम लोग मुश्किल से हम लोग 10 मिनट दूर रहते होंगे, 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 5 मिनट दूर रहते होंगे स्कूटी से, ठीक है. हम लोग फिर भी मिलते नहीं है. हमें थी रांची में, रांची में थी और स्कूल टाइम पे भी. हाँ, हम लोग स्कूल टाइम तो फिर भी छोड़ दो, ठीक है. हाँ, आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, मतलब कॉलेज में भी उस टाइम भी हम लोग, हाँ, उसके बाद भी हमको लगता है मंथ में एक बार मिलते होंगे हम लोग, कभी कभी तो वो भी नहीं. हाँ, कभी कभी तो वो भी नहीं, हमको लगता है 2 मंथ में एक बार मिल गया टाइप ऐसा. कोई ना कोई बैक ऑफ कर देगा, या तो मैं कर दूंगी या तो ये कर देगी. हम लोग बोलते हैं कि यार बहुत दिल लग रहा है, बहुत आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, मतलब बोल देते हैं मुँह पे कि आलस आ रहा है तो नहीं मिलेंगे. एंड सेकेंड वन इज, यार मैंने अच्छा अच्छा लिखा एकदम डिस्टर्बिंग एलिमेंट है गाइस. मैं जब भी आती हूँ ना कुछ गलत होता है मेरे साथ. ओ प्लीज, हर बार. जैसे हर बार इसके इंस्टाग्राम के रीले में मेरा कुछ बंदर वाला चक्कर मारना चाहता है. एवरी टाइम सेम गया होगा. अगर आप नहीं देखे तो इसके इंस्टाग्राम में जाके ढूंढ के देख लीजिएगा. इतनी बड़ी झूठी मेरे को बोलती है कि हाँ करना मजा अच्छा रहा है. अब मैं मस्त एकदम अच्छे से रील बना रही हूँ और बना पता चल रहा है पता नहीं क्या ही घटिया सा फिल्टर मार के लगा दी है और उसके बाद सत्यानाश हो गया है मेरा. इसके इंस्टाग्राम में तो लोग सोचते हैं कि ये लड़की कौन है, पागल सी, कुछ ना कुछ इसका मांगकर पिटी उतारती रहती. बात तो सही बोल रही है ये. यस गाइस, ये मेरा प्यार दिखाने का तरीका है. आई गॉट इट. ऐसे लोग मैं बता देती हूँ, मैंने अच्छा अच्छा लिखा है तुम्हारे बारे में. तो ये भी तो अच्छा ही है. अब तो मैं बुरा वाला डालूँ, लेजी वाला. हाँ, बहुत वो तो मेरे ज़्यादा है. सेम है. नहीं, ये भी कुछ कम नहीं है. मेरे घर का रास्ता ठीक नहीं है. तुम्हारा एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी, नो यू एक्सक्यूज मी. चुप रहो, ठीक है. दूसरा, बहुत अच्छी एडवाइज़र है. अच्छा, तो मेरी पर्सनल एडवाइज़र है ये. और एक क्या था? चीयरलीडर. यस गाइस, सो दिस इज इट आई गेस. फिर से मेरा स्पेस फुल हो गया है, तो हमारे बैक टू बैक फुटेज जो है वो पॉज हो जा रहा है. हाँ, काफ़ी अच्छे क्लिप्स मिस हो गए. बट एनीवेज, हम लोग वीडियो एंड करने वाले थे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. और इसका सेकेंड पार्ट आपको मिलने वाला है एरिल के चैनल पे. यस गाइस, ये कंटिन्यू होगा मेरे चैनल में. और मेरे पास काफ़ी जूसी क्वेश्चन है इसके लिए, सो कम एंड वॉच. यस, ओके, बाय.